अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंग्लिश पेपर 2018 रेगुलर स्टूडेंट्स का है, बीकॉम पार्ट वन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जो 2018 में स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया था, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट ने दिया था। इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश के पेपर का, जो लाजमी होता है, कंपलसरी होता है पेपर, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ग्रामर से मुतल्लिक है। ग्रामर में ए बी सी डी ई एफ करके इसके हिस्से चलना है, हर पार्ट के नंबर हैं। तो हम आज पहला हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर के अंदर, जो है पार्ट कौन सा, ए में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ये जो आपको दिए इन्होंने, ये ब्लैंक्स दी हुई हैं इस पैराग्राफ के अंदर। आपसे कहा गया है कि इन ब्लैंक्स को आप फिल करें और जो मुनासिब आर्टिकल होते हैं, आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड दा बोलते हैं, दी बोलते हैं, ठीक है ना, ए एंड दा, ये 3 होते हैं। इनको जहाँ जो जिस जो जहाँ सप्लाई होगा वहाँ सप्लाई करें, वहाँ पुट करें उसको, ठीक है। कौन सा आर्टिकल किधर लगेगा तीनों में से वो करने हैं। तो पहले मैं आपको ये मैंने अभी हैंड राइटिंग बता लिया है, पेपर मेरे सामने रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, मैंने हैंड राइटिंग डाल लिया लिख के। ग्रामर क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर पार्ट 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब ये ब्लैंक दी हुई है, 1 नंबर लिखा हुआ है, फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग, फिर ब्लैंक आ गई, नंबर 2 ब्लैंक आ गई है, नोटिफिकेशन ऑफ हर एक्सेप्टेंस फुल स्टॉप, एलिजिबल वाज ऑन, फिर ब्लैंक आ गई, यहाँ पे सप्लाई करना है ब्लैंक पे, 3 नंबर की ब्लैंक है, ट्रेन 4, फिर ब्लैंक आ गया, यहाँ सप्लाई करना है आर्टिकल, 2 डेज जर्नी 2, फिर ब्लैंक आ गया, यहाँ आर्टिकल सप्लाई करना है, जेनेवा कॉलेज। इस तरह ये 5 आर्टिकल सप्लाई करने हैं, 1 जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, कि यहाँ पे या तो ए आ रहा होगा या एन आ रहा होगा या द आ रहा होगा। तो अब हम अपने हमने जो हैंड राइटिंग में लिखा है उसकी तरफ चलते हैं, वहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ के सुनाया आपको। तो ये है डैश फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग डैश नोटिफिकेशन ऑफ हर एक्सेप्टेंस फुल स्टॉप। अब इन जगह पे, 2 जगह पे हम कौन सा सूटेबल आर्टिकल है वो अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ करता हूँ आपके सामने, मैं ब्लैक रेड से कर लेता हूँ। यहाँ पे इम्तहान में आप रेड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, रेड टीचर इस्तेमाल करते हैं चेक करने वाले, मैं यहाँ नज़र आया इसलिए। तो पहले के अंदर आर्टिकल ए लगेगा, अब हो जाएगा अ फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग, अब यहाँ भी आर्टिकल लगेगा, यहाँ लगेगा डैश नोटिफिकेशन ऑफ हर एक्सेप्टेंट, यहाँ द लगेगा, नोटिफिकेशन से मुतालिक बात हो रही है, द लगेगा, अ फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग द नोटिफिकेशन ऑफ हर एक्सेप्टेंस फुल स्टॉप, एलिजाबेथ वाज ऑन डैश है, यहाँ आर्टिकल सप्लाई करेंगे, यहाँ आर्टिकल लग रहा है, ऑन ट्रेन, अ ट्रेन होगा, ऑन अ ट्रेन, आगे फॉर डैश लगा हुआ है, 2 डेज जर्नी, फिर डैश जेनेवा कॉलेज, तो ट्रेन फॉर 2 डेज का है, तो यहाँ लग जाए फॉर आ 2 डेज जर्नी, 2 दिनों का जर्नी है, ठीक है, आ लग गया जर्नी, जो जेनेवा कॉलेज, ये नाम आया है जो है जेनेवा कॉलेज, यहाँ लग गया द, ये मैंने अपने आर्टिकल के इसमें बताया लेक्चर में कैसे बना लिखे जाते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये रेड से मैंने आंसर लिख दिए। अब आगे देखते हैं, मैंने उतारा एक और बी के अंदर, बी पार्ट दिया है उसी के अंदर, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन, या प्रीपोजिशन लगानी है जो मैंने उतारा है सवाल के अंदर। प्रीपोजिशन आपको पता है जो 2 वर्डों को कनेक्ट करती है, ऑन, एट, इनटू, बाय, ये सब प्रीपोजिशन है, टू, फॉर, सब प्रीपोजिशन, इनमें से कोई जो सूटेबल है वो अप्लाई करनी है, ओवर है, अपॉन है, ठीक है, अंडर है, बिलो है, सब प्रीपोजिशन से,
नाउन से पहले लगाई जाती है प्रीपोजिशन। अच्छा ही वॉज बाउंडेड डैश लगाए दी स्कूल, तो आर्टिकल लगाए स्कूल स्कूल, शोल्डर दी शोल्डर, हमेशा आर्टिकल लगता है नाउन से पहले, शोल्डर नाउन सा दी लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन भी नाउन से पहले लगाई जाती है। ही वॉज बाउंडेड, ही वॉज बाउंडेड, अब यहाँ प्रीपोजिशन कौन सी आती है, इन आएगी यहाँ पे। ही वॉज बाउंडेड इन दी शोल्डर अब डैश अ बुलेट फायर, ये बाई आएगा, बाई अ बुलेट फायर और डैश आ गया एंड अब स्टेयर, फ्रॉम आएगा फ्रॉम एंड अब स्टेयर, देखिए आर्टिकल लगा हुआ है तो वो नाउन है, नाउन से पहले लगती है प्रीपोजिशन, आर्टिकल लगता है नाउन के आगे, फ्रॉम एंड अप स्टेयर विंडो फुल स्टॉप, ठीक है। ही कॉलेप्स बिकॉज ऑफ, यहाँ ऑफ लगेगा, बिकॉज ऑफ इमेंस ब्लड लूज एंड हैड टू बी रश टू दी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, फॉर आएगा पर्पस के लिए आया फॉर ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स ये हमने बी भी सॉल्व कर दिया आपके सामने, प्रीपोजिशन पहले में इन लगी है, दूसरे में बाय लगाइए प्रीपोजिशन, तीसरे में फ्रॉम, चौथे में ऑफ और पांचवें में फॉर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। अब नंबर सी की तरफ आते हैं हम, सी में इंस्ट्रक्शन दी है राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल मॉडल इन ईच ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट, ये बता रहे हैं कि ये नीचे जो दिए हैं 1 to 5 सेंटेंस हैं, इनके अंदर हमने मॉडल यूज़ करनी है जो ज़रूरी मॉडल है। मॉडल क्या क्या होती है, कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, वुड होता है, मे होता है, माइट होता है, ये सब मॉडल कहलाती हैं, ठीक है ना। ये इस्तेमाल कहाँ पे कौन सी होगी, शुड हैव हो सकता है, हैव टू हो सकता है, हैज़ टू हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये अप्लाई करना है जुमले को देख कर, लेकिन किसके मुताबिक, वहाँ ब्रैकेट में एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो पोजीशन दी गई है ब्रैकेट में उसके मुताबिक आपने मॉडल सप्लाई करनी है। तो चलते हैं, मैंने ये लिख लिए हैं पेपर से, जो अभी आपको पेपर दिखाया था वहाँ से, ताकि मैं आपके सामने हल करूँ। पेपर में बहुत कम जगह होती, लिखने की जगह नहीं होती, इसलिए मैंने लिख लिया। नंबर वन है देयर आर प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ माने बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ टोमेटो, टमाटर होते हैं इन द फ्रिज, फ्रिज में बहुत ज़्यादा टमाटर रखे हुए हैं, ठीक है। यू डैश लगा दिया है बाय एनी, अब इन्होंने नेसेसिटी क्या जरूरी, ज़रूरत ज़रूरी है, मॉडल कौन सी ज़रूरी मॉडल है, वही लगा यहाँ पे जो जुमला पूरा है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे यू आ गया, डोंट डू नॉट होता है ना, डी ओ एन, डोंट नीड, डोंट नीड टू, ये मोरे मॉडल आ गए यहाँ पे, डोंट नीड टू बाय एनी, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बाय एनी नेसेसिटी, जो जो इसके सेंटेंस के मुताबिक ज़रूरत पड़ रही मॉडल को अप्लाई करें, यहाँ यही ज़रूरत पड़ रही है, यू डोंट नीड टू बाय एनी, और कोई मॉडल यहाँ सूट नहीं हो सकती, ठीक है। सेंटेंस नंबर टू चलते हैं आपका, सी का टू, इसमें कहते हैं टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला, छतरी ले ले लें अपने साथ, टेक ले लें, छतरी ले लें, इट डैश आ गया रेन लेटर, बाद में जो है बारिश के वाले बता रहे हैं, अब यहाँ प्रोबेबिलिटी इम्कान के मुताबिक, इम्कान है बारिश होने का, तो कौन सी मॉडल लगनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ इट मे पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, ठीक है ना, तो मे लग सकता है यहाँ पे, इट मे रेन लेटर, छतरी ले लो, बारिश हो सकती है, ठीक है, शायद बारिश हो जाए, में प्रोबेबिलिटी है यानी इम्कान है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए इट में लगता है हमेशा उसके लिए, इट में रेन लेटर, आगे बाद में बारिश हो जाए। थर्ड, थर्ड के अंदर पढ़ते हैं फिर उसकी लगाते हैं कौन सी प्रॉपर है, थर्ड में पीपल डैश आ गया,
वॉक अलोंग ऑन ग्रास लिखा था, लेकिन जुमला ऑन ग्रास नहीं हो सकता, ऑन दी ग्रास शायद टाइप होने में मिस्टेक हो, क्योंकि पेपर में ऑन दी ग्रास होता है, ऑन ग्रास नहीं होता, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया ऑन दी ग्रास, वरना उसमें लिखा था पेपर ऑन ग्रास, ऑन नाउन है ये, ग्रास के साथ द लगेगा, ऑन दी ग्रास। पीपल डैश वॉक ऑन दी ग्रास फुल स्टॉप। आप कौन सी सप्लाई करनी है, आपने नेसेसिटी ज़रूरत के मुताबिक लगानी है, तो हमारे को ज़रूरत के मुताबिक बन जाएगी मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास, लोगों को घास पर वॉक नहीं करनी चाहिए, वॉक हमेशा ट्रैक पे होती है, घास पे नहीं होती, चहलकदमी तो कर सकते हैं लेकिन घास पे वॉक नहीं करते, पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास या ऑन ग्रास, नेसेसिटी के मुताबिक मस्ट नॉट यहाँ पे आपका मॉडल लगेगा नेगेटिव के अंदर। चलें फोर्थ पढ़ते हैं, यू डोंट डैश पिक मी अप एट द स्टेशन फुल स्टॉप, आई कैन गेट अ टैक्सी, कह रहे हैं ज़रूरत के मुताबिक इसमें जो मॉडल लग रही है वो लगाएं, नेसेसिटी वाली जो ज़रूरत है, नेसेसिटी है वो मॉडल लगाएं। देखें कौन सी लग रही है, यहाँ कौन सी मॉडल लगेगी, यू डोंट हैव टू लगेगी, हैव टू, यू डोंट हैव टू पिक मी अप एट द स्टेशन, आई कैन गेट अ टैक्सी, आप मुझे वहाँ, यू डोंट हैव टू पिक, मुझे पिक नहीं करें वहाँ से टैक्सी में, मैं वहाँ से टैक्सी ले लूँगा, ले सकता हूँ नेसेसिटी, तो हैव टू यहाँ पे सूट कर रही है, वो मॉडल लगेगी हैव टू। ठीक है लास्ट देखते हैं, ड्राइवर डैश स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ठीक है ना, ड्राइवर को जब रोकना होती है जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाता है, जब रोकता है गाड़ी को, तो यहाँ पे कौन सी एडवाइस बोल रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं आपने, यहाँ पे नसीहत करनी है ड्राइवर को, एडवाइस देनी है, तो यहाँ जब भी एडवाइस देनी हो शूट लगाया जाता है, ड्राइवर शुड स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, यानी हमने जो शूट लगाया है, ये जो ब्रैकेट में दी गई है सवाल में, हमें जो वर्ड दिए हैं इनकी, ये इंस्ट्रक्शन दिए, इनके मुताबिक लगाने हमने, या नेसेसिटी था या एडवाइस था, नेसेसिटी था और प्रोबेबिलिटी था या नेसेसिटी था, इनके मुताबिक हमने मॉडल वर्ड सप्लाई करें, तो ये आपका सी भी मुकम्मल हो गया ग्रामर का। अब रह गया डी ई और एफ, चलें नेक्स्ट लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट, डी पॉइंट, डी पार्ट हम देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंस आपको पता है कौन से होते हैं, अगर तुम आए तो हम ये करेंगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर देता, अगर अगर से इफ करने से जो जुमले शुरू होते हैं वो कंडीशनल शर्तियाँ, कंडीशन माने शर्तियाँ जुमले, इनको होते हैं कंडीशनल शर्तियाँ, हमेशा इफ से शुरू होते हैं ये, इसका एक पार्ट जो है इफ से शुरू होता है और दूसरा पार्ट आपको कंप्लीट करना होता है कॉमे के बाद, तो वही सवाल में मांगा है कि इन्होंने एक पार्ट आपको इफ कंडीशन वाला शर्त लगाने वाला जुमला वो सेंटेंस दे दिया है सेंटेंस, उसका रिजल्ट वाला दूसरा सेंटेंस आपने बनाना है यहाँ पर। ठीक है तो देखते हैं, नंबर वन ये इन्होंने कंडीशन वाला लगा दिया, इफ दे हैड लेफ्ट द हाउस अर्लियर, अगर वो घर से जल्दी निकल जाते, यानी घर जल्दी छोड़ देते, घर से जल्दी निकल जाते तो उसका नतीजा बताओ, जल्दी आ जाते तो हैड लेफ्ट द हाउस अर्लियर, तो कंडीशन क्या लगती, अब यहाँ लगाते हैं, ये मैं लगाता हूँ ब्रेड से, इफ दे हैड लेफ्ट द हाउस अर्लियर, ठीक है, अगर वो घर से जल्दी ना निकलते, जल्दी नहीं आते तो क्या हो जाता, नहीं जुमला है, इफ दे हैड लेफ्ट द हाउस अर्लियर, अगर वो घर से जल्दी आए थे, जैसे हमें कहीं जाना है स्टेशन वगैरह पर, तो अगर हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे तो लिहाजा हमें ट्रेन मिल जाएगी ना, अगर हम देर से पहुँचेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी, तो ये अर्ली अगर आ जाते उसके ऊपर क्या जुमला बनना चाहिए इस शर्त के ऊपर, कि अगर वो जल्दी से जो है घर से निकल जाते, घर से आ जाते, तो हम अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे दे, इसका रिजल्ट क्या होता जल्दी आने का,
दे वुडेंट, वुड्स डब्ल्यू ओ यू एल वुड, वुड नॉट का मतलब वुडेंट कर दिया हमने, दे वुडेंट हैव मिस द ट्रेन अगर वो घर से जल्दी निकल जाते तो ट्रेन मिस नहीं होती उनकी, ट्रेन नहीं छूटती उनकी अगर जल्दी आए थे, देर से आएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। तो इस जुमले में यही कि अगर वो घर से जल्दी निकल जाते तो रिजल्ट ये होगा दे वुडेंट हैव मिस द ट्रेन, तो वो ट्रेन को मिस नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी लोग करेक्ट एक्यूरेट सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बन गया। आप सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वर इन द पुलिस, इफ आई वर इन द पुलिस तो क्या बनेगा, अगर मैं पुलिस में होता, मतलब जब मैं बात कह रहा हूँ उस वक्त मैं पुलिस में नहीं हूँ, उस वक्त बात कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं ऐसा पुलिस में होता, मतलब आप जो रिजल्ट हम लिखेंगे वो आप कर तो नहीं सकता, लेकिन उस वक्त की बात कर रहा है कि अगर मैं पुलिस में होता तो क्या कर देता, वो बता रहा है क्या कर देता ये, अगर मैं पुलिस में होता तो आई वुड, मतलब जो वर्ड से शुरू होते हैं वो पूरे नहीं हो सकते जुमले, इम्पॉसिबिलिटी होती है उनकी, तो आई वुड अब ये है नहीं, वक्त गुजर चुका है, तो ये वो ये करता जो कह रहा है, आई वुड हैव वर्क आई वुड हैव वर्क टूवर्ड्स, किस तरफ करता काम, कहाँ किस जानेब में, टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ सेफर कम्युनिटी, क्रिएटिंग अ सेफर, सेफ से सेफर कम्युनिटी, अगर पुलिस में होता तो ये ऐसा माहौल करता है लोगों को सेफ, लोगों की जो कम्युनिटी है से उनको क्या करता है ये, तो वो ये काम करता है लोगों को सेफ करने का काम करता है, कम्युनिटी को लोगों की को सेफ रखता है, ये सेफ करने का, सेफर कम्युनिटी, ठीक है अगर होता, लेकिन आप पुलिस में है नहीं अब तो नहीं कर सकता ये, उस वक्त होता इफ़ नो वन इन होम, अगर घर में कोई नहीं है तो प्लीज़ आगे क्या सेंटेंस हमें लिखना चाहिए, इफ़ नो वन इन होम प्लीज लीव अ मैसेज, छोड़ दें एक मैसेज पैगाम छोड़ दें, घर पे कोई नहीं है तो लीव अ मैसेज आफ्टर दी बीप, ठीक है, आप टेलीफोन में रह रहे हैं किसी को घंटे उठा नहीं रहा है, नहीं उठा रहा है, इसका मतलब है घर में कोई नहीं है, तो फिर हम कह रहे हैं प्लीज़ लीव अ मैसेज आफ्टर दी बीप, तो मैसेज छोड़ने का तरीका क्या होता है, जैसे ही उसमें बीप बजेगी फ़ौरन आप अपना बात कह दें, मैसेज छोड़ दें, तो ये कहा है, ये कंडीशन है कि अगर घर में कोई ना हो तो फिर उस सूरत में आप क्या करें, लीव अ मैसेज आफ्टर दी बीप, बीप के बाद फ़ौरन एक मैसेज छोड़ दें। नंबर फोर, इफ यू गो टू द जिम एवरी डे, अगर आप रोजाना जिम जाते हैं तो आप क्या होगा फिर इसका सर, तो यू, तो इसका आंसर लिखते हैं यू विल स्टे, आप रहेंगे, यू विल स्टे मैंने रहना, स्टे फिट रहेंगे आप, फिट एंड हेल्दी और सेहतमंद, ये जुमला मुकम्मल हो गया। कंडीशन, लास्ट कंडीशन सेंटेंस है,
इफ़ यू डोंट टेक योर मल्टी विटामिन्स, अगर आप अपनी मल्टी विटामिन्स नहीं लोगे तो क्या नतीजा होगा, क्या होगा कंडीशन पे रिजल्ट, यू मे बिकम डेफिशिएंट, डेफिशिएंट माने कमी, डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड यू टी आर आई ई एन टी एस, आप में जो है किसी एक हद तक जो है कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, अगर आप इफ़ यू डोंट टेक योर मल्टी विटामिन्स, अगर आपकी मल्टी विटामिन्स जो भी टैबलेटें क्या हैं जो जो चीज़ें हैं अगर वो नहीं लेते तो यू मे बिकम डेफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो एक हद तक न्यूट्रिएंट्स किसी हद तक जो है ना आपकी डेफिशिएंट ही कहीं कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स की। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे 5 डी पोर्शन के अंदर कंडीशन सेंटेंस जो हमने मुकम्मल कर दिए, एक कंडीशन वाला सेंटेंस का दिया गया था, दूसरा उसका रिजल्ट वाला जुमला हमने लिखना था, ये तो मैंने लिख के दिखा दिया, बिल्कुल एक्यूरेट है, दुरुस्त है, आप इसको देखें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब हमारा रह गया है पार्ट ई और एफ पार्ट रह गया है, ई के अंदर आपको वॉइसेस दिए गए हैं और एफ के अंदर आपको दिए गए हैं जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है, ये 2 पार्ट रह गए। देखें स्टूडेंट ई को पढ़ते हैं हम, हमारा पार्ट है ई, चेंज दी वॉइसेस, कह रहे हैं वॉइस को तब्दील कर दें, तो मैं पढ़ता हूँ, ये इन्होंने दिया है समवन स्टोल डायमंड्स फ्रॉम सशाज फ्लैट, SASHA अपोस्ट्रोफी है सशाज फ्लैट कॉमा यस्टरडे कॉमा वाइल शी वाज अवे फुल स्टॉप व्हेन शी केम बैक कॉमा शी इन्फॉर्म दी पुलिस फुल स्टॉप द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस कॉमा कॉट दी थीफ एंड सेंड हिम टू प्रिजन, ठीक है, ये एक्टिव वाइज सेंटेंस दिए गए हैं फुल स्टॉप के बाद सारे, अब हमने इनके पैसिव वाइज बनाने हैं, मैं यहाँ बचा रहा हूँ वक्त, लिख नहीं रहा, सिर्फ आंसर लिखूँगा, आप देख लें अच्छी तरह, नोट कर लें, समवन स्टोल डायमंड फ्रॉम सशाज SASHA अपोस्ट्रोफी है सशाज फ्लैट कॉमा यस्टरडे कॉमा वाइल शी वाज अवे फुल स्टॉप व्हेन शी केम बैक कॉमा शी इन्फॉर्म दी पुलिस फुल स्टॉप द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस कॉमा कॉट द थीफ एंड सेंड हिम टू प्रिजन फुल स्टॉप, तो ये मैंने अभी आपको दिखा दिया, मैं 18 फिर मैं सिर्फ इनका आंसर लिखूंगा पूरे 5 का पैराग्राफ का, ये एक्टिव वाइज में दिए गए हैं, यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है और जो है हमें पैसिव वाइज में वॉइस की बदलनी है पैसिव वाइज में लेकर आना है, जहाँ सब्जेक्ट पे कोई काम वाक्य होगा ऑब्जेक्ट को काम के प्लेस पे रखेंगे, ठीक है, देख लिया आपने नोट कर लिया, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा इसका। चलिए ठीक है, ई आंसर, ई आंसर, अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ई आंसर लिख दिया है और ये हमें बनानी है पैसिव वॉइस में बदलना है, जो अभी आपको मैंने दिखाया वो एक्टिव वॉइस में था, ये पैसिव वॉइस बनाने इसके, ठीक है, अब मैं बनाता हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ पूरे पैराग्राफ को, डायमंड से शुरू करूँ, डायमंड डायमंड्स
वर स्टोलेन। थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है स्टोलेन। वर स्टोलेन फ्रॉम साशा, साशाज, अपोस्ट्रॉफी लगाई, साशाज फ्लैट यस्टरडे। यस्टरडे वाइल, यहाँ कोई कॉमे हमें नहीं लगेंगे अभी, यहाँ पैसिव वॉइस बनाना है। वाइल शी वाज अवे, फुल स्टॉप, ये हो गया एक सेंटेंस हो गया। व्हेन आपने नोट कर लिया को जो मैंने अभी आपको लिखवाया था सवाल के मुताबिक, सवाल पढ़ाया था, व्हेन शी केम बैक द पुलिस वर इन्फॉर्म, जब वो वापस आई तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, वर इन्फॉर्म डायमंड वर स्टोलन फ्रॉम साशाज फ्लैट यस्टरडे, कल साशाज फ्लैट के साशाज फ्लैट से जो है डायमंड चोरी हुआ था। वाइल जबकि शी वॉज अवे, वो नहीं थी, जबकि वो जो है घर पर नहीं थी, फुल स्टॉप। व्हेन शी केम बैक, जब वो घर पर वापस आई, द पुलिस वर इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म किया उसने, इन्फॉर्म यानी चोरी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। द केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड, तफ्तीश की गई केस की। इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, पुलिस ने केस की तफ्तीश की, बाय द पुलिस द थीफ चोर, द थीफ वॉज कॉट और चोर को पकड़ लिया गया, वॉज कॉट कॉट एंड ही वॉज सेंट टू प्रिजन, चोर को पकड़ लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया, सेंड भेज दिया गया है टू प्रिजन माने जेल, प्रिजन। तो ये इसका पूरा पैसिव वॉइस बन गया पैराग्राफ का। डायमंड्स वर स्टोलन फ्रॉम साशाज फ्लैट यस्टरडे, कल साशाज के फ्लैट से डायमंड चोरी हुआ था, जब वाइल इस दौरान जिस दौरान में शी वॉज अवे, वो घर पर नहीं थी, जिस दौरान में बाहर गई हुई थी, घर से बाहर गई हुई उस दौरान में चोरी हुआ था। व्हेन शी केम बैक, जब वो घर पर वापस आई, द पुलिस वर इन्फॉर्म, तो उसने पुलिस को इतला दी इस बारे की चोरी के वाकियात की। द केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाई द पुलिस, इस चोरी के वाकये का पुलिस ने केस को की तफ्तीश की, तो द थीफ वॉज कॉट, चोर को पकड़ लिया गया, पकड़ा गया, एंड ही वॉज सेंट टू प्रिजन, और उसको जेल भेज दिया गया। ठीक है, या ये मैंने पूरा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको जो इम्तहान में आया था पैराग्राफ वॉइस चेंज करने की थी। अब मेरे पास आखिरी रह गया है पार्ट, इसका एफ पार्ट रह गया। इन सबके अच्छे अच्छे खासे नंबर हैं, हो सकता है 10-10 नंबर हो, मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन सबके नंबर हैं, हर पार्ट के नंबर हैं, और इस ग्रामर से आपका अच्छा खासा नंबर का पेपर बन जाता है, 30-35 नंबर का तो बन जाता होगा मेरे ख्याल में नंबर इसका ग्रामर से। अगर हर सेंटेंस के दो दो नंबर होंगे, 5-5 या 10-10 नंबर का एक पार्ट बन गया, आधा पेपर ये 50% लगता है ग्रामर से ही बन जाएगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है।
अगर आपको ग्रामर करने में कामयाब हो गए तो आपका समझ लिया पेपर पास हो गया। तो जो मैं ग्रामर करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी ग्रामर की प्रैक्टिस करें मेरे सेंटेंस को। तो अब लास्ट रह गया, देखते हैं लास्ट में क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो भी देख लेते हैं।